महिला के साथ दबंगों ने दिनदहाड़े की लूटपाट, पति गंभीर रूप से घायल। खबर अररिया से, जहां दिव्यापुर मधवापुर से इटावा जा रहा पति पत्नी के साथ कुछ अज्ञात दबंगों ने बेल्टों से जमकर मारपीट की और लूटपाट किया। पीड़ित ने बताया कि वह अपने ससुराल मधवापुर से इटावा जा रही थी कि सीएनजी पेट्रोल पंप के निकट जमौली बम्बा रोड पर करीब आधा दर्जन अज्ञात बदमाशों ने उनके ऑटो को रोक लिया और उनके साथ जमकर मारपीट कर लूटपाट की। जानकारी के अनुसार चंद्रप्रकाश पुत्र कमलेश कुमार निवासी ग्राम मुरैना थाना एकदिल जनपद इटावा ने शिकायती पत्र देते हुए थाना अध्यक्ष न्याय की गुहार लगाते हुए कहा। वह शाम करीब 6 बजे अपने ससुराल हापुर से अपने गांव मुरैथा थाना एकदिल जा रहे थे कि जमौली रोड पर सीएनजी पेट्रोल पंप के पास कुछ आधा दर्जन अज्ञात लोग आए और अचानक उनके ऑटो पर हमला कर दिया, जिसका विरोध करने पर उपरोक्त सभी बदमाश हमलावर हो गए और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर लूटपाट कर ली, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना प्रभारी निरीक्षक ने घायल पीड़ित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिव्यापुर भेजा और जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बताते चलें कि दबंगों के इतने हौसले बुलंद हैं कि दिनदहाड़े लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मुख दर्शक बनी हुई है। वहीं बता दें कि पीड़ित और आसपास के लोगों ने जब बदमाशों को दौड़ा तो एक मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया। वहीं सीओ सिटी ने बताया कि ऑटो चालक को, जो एकदिल के पास के रहने वाला है और मधवापुर गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ आया हुआ था, अपने रिश्तेदार के घर से वापस जा रहा था। वहीं रास्ते में 5 बाइक सवार लड़कों द्वारा उनके साथ मारपीट की। तत्काल सूचना पर पहुंची पुलिस, मगर तब तक आरोपी वहां से फरार हो गए। वहीं पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया। जल्द ही मारपीट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी होगी। अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हमारा नाम सरोजनी है। आखिर क्या हुआ ऐसा जो आपको दिव्या बताने आना पड़ा? हम लोग ऑटो से आ रहे थे, रास्ते में 3-4 लोग मिल गए लड़के, वो गुंडे थे और उन्होंने आगे से टेम्पो रोक ली, जबरदस्ती उसमें घुस गए और घुस के इन लोगों से कहा चलो वहां तक ले चल, इन्होंने कहा नहीं वहां नहीं ले जाएंगे, हम उधर जा रहे हैं अभी इटावा। इटावा हमारा घर है, गाँव पड़ता है, वो रहता है और कानम को इन लोगों को मारने लगे जबरदस्ती की, तू क्यों ले जाएगा साला, तो अभी हम उनको मार के आए, अभी तुझे भी मारेंगे बहुत। और कानम एक 2-3 लोग इनमें लग गए, मारने लगे, घुस गए, बेल्ट उतार ली, बेल्ट से मारा और कानम मुझे भी एक 2 लग गए, उन्होंने सारी चीज भी छीन ली, बेल्टों से भी मारा है, बहुत बुरा और बहुत क्या छीन। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रप्रकाश। कहाँ से आ रहे थे? मधुबन। क्या मामला हुआ है? जी यहाँ पे हम उधर से आ रहे थे, मैडम थी हमारी, भाई था मेरा और एक लोग साले साहब थे मेरे, उधर से आ रहे थे हम अपने बहन के यहाँ से, वहाँ से आते रास्ते में यहाँ से उन्होंने मुझे घेर लिया और लूटपाट करने को कर रहे थे, तो मैंने मना किया, पकड़े, झपटी हो गई और उन्होंने मुझे मारा। कितने लोग थे? वो लगभग पहले 4 लोग थे, उसके बाद फिर और लोग बढ़ गए, वहाँ पर 8-10 लोग हो गए थे। किसी को सूचना दी थी तुमने? मैंने सूचना 112 नंबर लगाया, लेकिन उसी टाइम लगा रहे थे, उसी टाइम पे और मारने लगे मुझे। का मामला ये है कि एक ऑटो पर सवार होकर के एक दिल के पास के रहने वाले एक परिवार जो मधवापुर में अपने रिश्तेदार को आए हुए थे, वापस जा रहे थे, इसी दौरान बाइक सवार तकरीबन 5 लड़कों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी फरार हो गए और पीड़ित के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस सघनता से उनकी छानबीन कर रही है और आरोपियों की तलाश का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।